नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिंगल और यूनिक प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 11 अक्टूबर 2018 और 11 अक्टूबर 2018 के करंट अफेयर्स के प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सिंगल एंड यूनिक प्लेटफॉर्म टीम वेलकम्स यू इन दिस करंट अफेयर्स शो। टुडे इज 11th October 2018 एंड वी विल डिस्कस द करंट इवेंट्स इन दिस करंट अफेयर्स शो। टुडे इज इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स, आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और आज दो महान शख्सियतों का जन्मदिन भी है जिनके नाम अभी आप देखेंगे। टुडे इज द बर्थडे ऑफ टू ग्रेट पर्सनैलिटीज एंड दीज आर, फर्स्ट वन इज जयप्रकाश नारायण हु बोर्न इन द ईयर 1902 एंड सेकेंड वन इज अमिताभ बच्चन हु बोर्न इन द ईयर 1942। जयप्रकाश नारायण जिनका जन्म आज ही के दिन सन 1902 में हुआ और अमिताभ बच्चन जी जिनका जन्म आज ही के दिन सन 1942 में हुआ। नाउ लेट्स डिस्कस द करंट अफेयर्स क्विज। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड इज तुषार मेहता। भारत के नए प्रधान पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सॉलिसिटर जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं, और ये नियुक्त किए गए हैं तुषार मेहता। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ तुषार मेहता हु इज नाउ द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये भारत के नए सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी की तस्वीर है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर टू। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 10th October 2018? द थीम ऑफ दिस डे इज यंग पीपल एंड मेंटल हेल्थ इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। हाल ही में 10 अक्टूबर को मनाए गए वर्ल्ड मेंटल हेल्थ दिवस का विषय क्या था, और इसका विषय था एक बदलती दुनिया में युवा लोग और मानसिक स्वास्थ्य। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर थ्री। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज लॉन्च बिटवीन यूक्रेन एंड नाटो कंट्रीज, द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्लियर स्काई 2018। नाउ लेट मी गिव यू द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट यूक्रेन। कैपिटल ऑफ यूक्रेन इज कीव, करेंसी इज यूक्रेनियन रिवेनिया एंड द प्रेजिडेंट ऑफ यूक्रेन इज पेट्रो पोरोशेंको। नाउ सेम क्वेश्चन इन हिंदी। यूक्रेन और नाटो देशों के बीच चल रहे अभ्यास का क्या नाम है, और इसका नाम है क्लियर स्काई 2018। यूक्रेन की राजधानी कीव है, यूक्रेन की मुद्रा यूक्रेनियन रिवेनिया है और यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं पेट्रो पोरोशेंको। नाउ लेट मी शो यू द मैप ऑफ यूक्रेन ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड विच हैज़ बीन हाईलाइटेड विद द डार्क ग्रीन कलर। ये विश्व के मानचित्र पर आप देख सकते हैं यूक्रेन का नक्शा जो गहरे हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर फोर। विच कंपनी विल सेट अप कंट्रीज फर्स्ट बायोफ्यूल प्लांट इन ओडिशा, एंड द कंपनी विच विल सेट अप दिस प्लांट इज भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नाउ लेट मी गिव यू द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट उड़ीसा। कैपिटल ऑफ उड़ीसा इज भुवनेश्वर, सीएम इज नवीन पटनायक एंड गवर्नर इज गणेशी लाल। नाउ लेट्स डिस्कस द सेम क्वेश्चन इन हिंदी। कौन सी कंपनी देश का पहला जैव ईंधन प्लांट उड़ीसा में स्थापित करेगी, और ये कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। नाउ लेट मी शो यू द मैप ऑफ उड़ीसा ऑन द मैप ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं भारत के मानचित्र पर उड़ीसा का मानचित्र जो गहरे लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर फाइव। Which state will be a partner state at Goa International Film Festival, and the state which will be a partner state is Jharkhand. Let me give you the basic information about Jharkhand. Capital of Jharkhand is Ranchi, CM is Raghubar Das and the governor is Draupadi Murmu. Now let's discuss the same question in Hindi. Goa Antarrashtriya Film Mahotsav mein kaun sa rajya साझेदार राज्य होगा, और ये होगा झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची है,
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास जी हैं और झारखंड की राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। नाउ लेट मी शो यू द मैप ऑफ झारखंड ऑन द मैप ऑफ इंडिया विच हैज़ बीन हाईलाइटेड विद द डार्क रेड कलर। यहाँ आप देख सकते हैं भारत के मानचित्र पर झारखंड का मानचित्र जो गहरे लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। हु हैज़ इनॉग्रेटेड सेकेंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सेस टू मेडिकल प्रोडक्ट्स एंड दिस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दैट इज जेपी नड्डा। चिकित्सा उत्पादों तक पहुंच पर दूसरे विश्व सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? और ये किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा जो दिल्ली में किया गया है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। ऑन 86th एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन एयरफोर्स विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड एंड द नेम ऑफ दिस ऐप इज मेड वॉच। दिस इज ए मोबाइल हेल्थ ऐप फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया इन कीपिंग विद द PM's Digital India, Ayushman Bharat and Mission Indradhanush। भारतीय वायुसेना के 86वें वर्षगांठ पर कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? और ये ऐप है MedWatch, जो भारत के नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत और मिशन इंद्रधनुष को ध्यान में रखते हुए लॉन्च की गई है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। विच कंट्रीज पासपोर्ट हैज़ बीन नेम्ड मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड एंड पासपोर्ट ऑफ जापान हैज़ बीन नेम्ड मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। ही हैज़ ओवरटेकन सिंगापुर हु वॉज एट द फर्स्ट स्पॉट लास्ट ईयर। इंडिया इज एट द 81st स्पॉट इन द पासपोर्ट्स पावरफुलनेस। नाउ लेट मी गिव यू द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट जापान। कैपिटल ऑफ जापान इज टोक्यो, करेंसी इज येन एंड द PM ऑफ जापान इज शिंजो एबे। नाउ लेट्स डिस्कस सेम क्वेश्चन इन हिंदी। किस देश के पासपोर्ट को विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है? और ये है जापान का पासपोर्ट, जिसे विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है। इससे पहले सिंगापुर था जो पहले नंबर पर था, अब जापान का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। भारत इसमें 81वें पोजिशन पर है, 81वें स्थान पर है। जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की मुद्रा येन है और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे हैं। नाउ लेट मी शो यू द मैप ऑफ जापान ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड विच हैज बीन हाईलाइटेड विद द डार्क ग्रीन कलर। आप देख सकते हैं विश्व के मानचित्र पर जापान का मानचित्र जो गहरे हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है। नाउ लेट्स डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। खेल की दुनिया से कुछ प्रश्न। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड एट यूथ ओलंपिक गेम्स 2018 एंड सी इज मनु भकेल हु हैज़ वॉन दिस मेडल इन द एयर पिस्टल। सी इज ओनली 16 ईयर ओल्ड गर्ल। युवा ओलंपिक खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? और ये बन गई हैं मनु भकेल, जिन्होंने एयर पिस्टल में ये कारनामा कर दिखाया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय सौरभ चौधरी एट यूथ ओलंपिक गेम्स 2018 एंड द मेडल इज गोल्ड विच हैज़ बीन वॉन बाय सौरभ चौधरी इन 10 मीटर एयर पिस्टल। भारत के सौरभ चौधरी ने युवा ओलंपिक खेल 2018 में कौन सा पदक जीता है? और इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर पिस्टल में। दैट्स ऑल इन दिस करंट अफेयर शो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। Please do share and subscribe our channel that is single and unique platform. Thank you. Dhanyavad.